वेलकम डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS 12th स्टैंडर्ड होम साइंस चैप्टर नंबर 1। और इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और हमने जो कुछ टॉपिक कवर किए हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने एरिया ऑफ होम साइंस यहाँ तक कवर किया था, और हमने फूड एंड न्यूट्रिशंस के और जिसके एरिया है और सब कंपोनेंट्स देखे थे। तो पहले हम देखते हैं एरिया जो है, इसके 5 एरियाज के बारे में हम बात कर रहे थे जो मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया है। तो फर्स्ट एरिया है फूड एंड फूड एंड न्यूट्रिशंस। तो उसके सब कंपोनेंट्स है, फूड यानी जो भी हम खाते हैं, न्यूट्रिशंस और उससे जो हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, मील प्लानिंग यानी कि हम जो मील है यानी खाना है, हम सुबह जो ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर में जो लंच लेते हैं और रात को जो खाना बनाते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिलते हैं, क्या क्या हम मील प्लानिंग करते हैं, क्या बनाना है और उससे हमको क्या प्रोटीन्स और न्यूट्रिशंस मिलने वाले हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस हमारे खाने में क्या क्या रहता है, हेल्थ एंड केयर तो हमारा हेल्थ कैसा है और हमारा मतलब स्वास्थ्य और उसकी देखभाल, फिर सिक यानी कि जब हम बीमार होते हैं, परचेस एंड स्टोरेज ऑफ फूड खरीदारी करना और जो है जो भी हमने खरीदा है फूड को उनको हम कैसे स्टोर करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन यानी कि जैसे हम देखते हैं पिकल्स होते हैं, सॉसेस होते हैं, कुछ पापड़ होते हैं और जैम होता है, तो ये सब प्रिजर्वेशन फूड होते हैं जो कि हम प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, तो ये होता है फूड एंड न्यूट्रिशन, उसके सब कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है कंज्यूमर एजुकेशन, तो कंज्यूमर जो भी है उनको क्या क्या हम जानकारियां देते हैं, वर्क एथिक्स अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, इनकम मैनेजमेंट कैसे हम इनकम को मैनेज करते हैं और सेविंग करना, जमा करना और इन्वेस्ट करना, वर्क। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं जो है ओके, ये नेक्स्ट पेज पे चला गया है। ओके, यहाँ पे तो हम देखते हैं हम देख रहते हैं एक्सपेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस, टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, तो ये उसके अंडर में आ जाता है, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर में आता है, जिसे हमने देख रहे थे हम ऊपर है वो रिसोर्स मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इन अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड, जो मतलब शुरुआत से हमको जो है क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, एडोलसेंस स्पेशल इश्यूज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, जो भी इश्यूज होते हैं उनके साथ में हम डेवलप कैसे करते हैं। फिर है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, तो फैब्रिक साइंस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल फिनिश सेलेक्शन केयर एंड मेंटेनेंस, तो ये सब उसके इसमें आ जाते हैं, कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, उनको कैसे फिनिशिंग दी जाती है, सेलेक्शन कैसे होता है, उनको मेंटेन कैसे करना है। अभी हम मेंटेन करते हैं, इवन हम घर में भी कपड़ों को जब वॉश करते हैं तो हम कलर वाले कपड़े अलग वॉश करते हैं, लाइट कलर्स के अलग वॉश करते हैं, हम जो है धूप में हम जो है लाइट कलर्स के कपड़े सुखाते हैं और डार्क कलर के कपड़े हम जो है थोड़े शेडो में या छाँव में सुखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं मेंटेन करने के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ होम साइंस, तो ये तो क्वेश्चन से उसके आंसर्स आपको ये लेसन के एंडिंग में मिल जाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ से आज हम शुरू करने वाले हैं। इन सेक्शन 1.2 यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टर्म दैट आर यूज इन अ जॉब मार्केट। बिफोर वी स्टडी अबाउट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, लेट्स अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म दैट आर रिलेट टू जॉब अपॉर्चुनिटी। काम के अवसर क्या क्या है, यू कैन बी अ वेज एम्प्लॉयर बाय वर्किंग इन अ बेकरी और बुटीक और डे केयर सेंटर, तो आप शायद हो सकते हैं कि कहीं पर आप सैलरी लेके काम कर रहे हो किसी बेकरी में या किसी टेलरिंग का दुकान में या डे केयर सेंटर में, बट यू विल बी कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट व्हेन यू मैनेज योर ओन बेकरी बुटीक और जो है हम और जो भी चीजें आप अगर खुद का शुरू करते हैं,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एरिया वाइज स्कोप एंड स्किल बिल्डिंग फॉर अ डेली लिविंग, है ना। तो अलग अलग एरिया है, फर्स्ट है स्कोप और है स्किल बिल्डिंग फॉर डेली लिविंग। सो रिसोर्स मैनेजमेंट एरिया में आता है और स्किल बिल्डिंग फॉर डेली लिविंग। बिकमिंग अ कंज्यूमर कॉन्सियस इंडिविजुअल, अगर आप खुद वो करना चाहते हैं तो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वाइज कंज्यूमर। ओके, अगर आप खुद एक अच्छे कंज्यूमर है तो वाइजली मैनेजिंग फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको घर का जो भी पैसा है संभालना आना चाहिए। एबिलिटी टू यूज कंज्यूमर एड एंड वाइल परचेसिंग गुड्स और यूजिंग सर्विस, तो आपको जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं और उसका अच्छे तरह से पढ़ना आना चाहिए, अच्छे से आपको देखना है। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर सेविंग मनी एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा कैसे जमा करना है और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। कॉन्सियसनेस बिल्डिंग रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, तो जो भी आप खरीदारी करते हैं उसमें कंज्यूमर लॉ प्रोटेक्शंस का पढ़ना है। अडेप्टिंग वर्किंग सिंपली फिकेशन मेश्योर फॉर ओवरकमिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ से पहला ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम ये देखेंगे। तो बिकमिंग अ कंज्यूमर कॉन्शियस, तो यहाँ पे इंडिविजुअल, तो ग्राहक को सतर्क व्यक्ति बनना चाहिए। फिर नए से वाइजली मैनेजिंग फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो पारिवारिक आय है या जो भी इनकम है उसको अच्छे तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर सेविंग मनी एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, तो बचत की आवश्यकता को पहचानना है और उसको निवेश करना आना चाहिए। अडॉप्टिंग वर्क सिंप्लीफिकेशन मेजर फॉर ओवरकमिंग फैटिग एंड मैनेजिंग टाइम एंड एनर्जी, तो जो कार्य है उसको कैसे आसान करना है, आसान तरीके अपनाने चाहिए। फिर थकान पर नियंत्रण करना चाहिए, समय और ऊर्जा दोनों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिर है ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग एंड कंजर्विंग एनर्जी सोर्स एंड अराउंड यू, तो जो आपका स्थान है उसको कैसे साफ सुथरा रखना है और अपने जो संबंध है या रिश्ते हैं उसको कैसे अच्छी तरह से बनाना है एक दूसरे से। नेक्स्ट है डेवलपिंग इको फ्रेंडली कॉन्सियस आउटनेस, तो यहाँ पर है पर्यावरण को जो है कैसे हम अच्छा कर सकते हैं या अच्छी तरह से रख सकते हैं। लास्ट है डेवलपिंग एप्टीट्यूड फॉर वर्क एथिक एंड एथिकल स्टैंडर्ड इन डेली लिविंग, तो हमारे दैनिक जीवन में जो कार्यों की जो नीति है उसको किस तरीके से विकास करना है और उसका किस तरह से हम उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइज कंज्यूमर, तो एक जागरूक ग्राहक की जिम्मेदारियां और अधिकार को पहचानने की योग्यता होनी चाहिए। फिर एबिलिटी टू यूज कंज्यूमर एड्स वाइल परचेसिंग गुड और यूजिंग सर्विस, तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून के प्रति जागरूकता होना चाहिए। उपभोक्ता का मतलब है जो ग्राहक होते हैं उनका। कॉन्शियसनेस बिल्डिंग रिगार्डिंग कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, तो यहाँ जो है उपभोक्ता या जो ग्राहक है आय में उसके जो भी है कुशल प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए। ओके, हाँ, चौथा है ये एप्टीट्यूड टू मैनेज एक्सपेंडिचर विद इन द अवेलेबल इनकम। फिर प्रोफेंसी इन सेविंग मनी, तो बचत करने की योग्यता होनी चाहिए। एबिलिटी टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम, तो यहाँ पर जो है जो ऊर्जा की बचत के लिए समय योजना बनाना, उस पे कार्य और सरलीकरण की जो अलग अलग तरीके हैं उसकी कुशलता होना चाहिए, उसका प्रयोग करना आना चाहिए। और हम देखते हैं आगे डेक्सटेरिटी इन मेकिंग अ टाइम प्लान एंड यूज वर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड फॉर सेविंग एनर्जी, तो इसका मतलब है कि आसान करना जो है चीजों को, ऊर्जा की बचत के लिए समय योजना बनाना है, कार्य को सरल करना है, ऐसे हमें चीजें करना आना चाहिए। डिस
experiment in using a renewable and non-reliable sources of energy at home. तो घर में जो नवनीकरण योग्य व अवनवनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए. फिर है एबिलिटी टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेशंस एंड यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिस. तो पर्यावरण को जो है शायद मतलब पर्यावरण को हानि पहुंचाने के रोकने की योग्यता, और पर्यावरण को और जो है उसका व्यवहार उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए. एप्रिशिएटिंग द वैल्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक, तो नीतियों की साहित्य को के मूल्य को महत्व देना होना चाहिए. तो यानी कि हमें अपने आप को थोड़ा है बढ़ाने की योग्यता आनी चाहिए. ह्यूमन डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर फ्रॉम अर्ली टू लेट चाइल्डहुड. जो है बचपन की शुरुआत से ही बच्चे के विकास में जो विविध जो पहलुओं की पहचान करना आना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल चेंज, डेवलपमेंटल टास्क, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस. तो जो विभिन्न जो शरीर के जो परिवर्तन होते हैं, विकास क्षमता होती है, और किशोर अवस्था के जो लक्षण होते हैं उनकी समस्याओं को पहचानना आना चाहिए. बिंग सेंसिटाइज्ड टूवर्ड्स स्पेशल इश्यूज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट. तो व्यक्ति के विकास से संबंधित जो विशिष्ट मुद्दों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है. फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने छोड़ दिया था, क्या यहाँ पे मैंने छोड़ा था, कॉम्पिटेंस इन कमिंग फॉर द चाइल्ड एज पर अ फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो वो बच्चों की जो बच्चे की जो शारीरिक और संवेदनात्मक या हम भावनात्मक बोल सकते हैं, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा और उनके जो विकास है उसकी देखभाल करना आना चाहिए. एप्टीट्यूड फॉर फैसिलेटिंग द साउंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस. तो यहाँ पर जो है किशोरों के जो संपूर्ण विकास की व्यवस्था और उसकी भूमिका अदा करना आना चाहिए. नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी इन मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर पीपल विद द स्पेशल नीड. तो विशिष्ट या खास जो जरूरतें और समस्याओं के लोगों का प्रबंध करना आना चाहिए. फिर अगर हम यहाँ पर देखते हैं फैब्रिक्स साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशंस. सो यहाँ पर ये वाइजली सेलेक्टिंग फैब्रिक्स एंड डिफरेंट एंड यूजेस. तो जो विभिन्न उपयोग के लिए जो कपड़ों का इस्तेमाल करना चतुराई से या बुद्धिमानी से आना चाहिए. देन गेटिंग एक्वेंटेड विद डिफरेंट टेक्सटाइल फिनिश एंड यूजिंग सिंपल टेक्निक फॉर फैब्रिक एनरिचमेंट. तो विभिन्न वस्त्र दो जो उनका जो भी परिसज्य होता है उनकी जानकारी लेना, वस्त्रों को सजाना, साधारण तकनीकों का प्रयोग करना आना चाहिए. एंड वाइजली सेलेक्टिंग एंड मेंटेनिंग क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कपड़े हैं और उनको समझदारी से उनका चुनाव करना है और देखभाल करना है. फूड एंड न्यूट्रिशंस, तो रिकोगनाइज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. तो हम बोलते हैं भोजन, पोषण और स्वास्थ्य के अंदर क्या है, एक दूसरे से वो संबंधित है. प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग बैलेंस मील एज अ पर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. तो पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार संतुलित भोजन तैयार करने की योजना बनानी चाहिए. प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग थेर रिपेट मील फॉर द सिक, तो बीमार व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए ऐसा खाना बनाना की योजना बनाने की तैयारी करना चाहिए. अभी यहाँ पर जो है एक्सपर्टीज इन डिफरेंट एंड सेलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स अब अप्रोप्रिएट टू एंड यूज एंड डिफिनेस इज यूजिंग टेक्सटाइल फिनिशिंग फॉर फैब्रिक एनरिचमेंट. एबिलिटी टू बाय क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल बाय जजिंग क्वालिटी लेबल्स, कॉम्पिटेंट इन लॉन्ड्री एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स. तो ये सारी चीज़ें क्लोथ्स के बारे में है कि आपको जो है कपड़ों की कैसे देखभाल करना है, कैसे संभालना है.
उसके बारे में है, जो भी कपड़ों की गुणवत्ता है, नीचे जो है खाने से संबंधित है कि किस तरह से आपको खाना बनाना है, रखना है, और उसके नीचे जो है बीमार व्यक्तियों को कैसे खाना देना है, कैसे उसका रखरखाव करना चाहिए, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। और अगर